वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। से कैसे हो आप लोग? आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा गेट रेडी विद मी, बिकॉज मेरे को अभी अपना इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाना है, फोटोज़ क्लिक करवाना है, यूट्यूब वीडियोज़ बनाना है। तो मैंने सोचा कि गेट रेडी विद मी शूट कर देती हूँ, बातचीत भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी मैं रेडी भी हो जाऊँगी। सो अभी जस्ट मैंने हेयर वॉश किया है एंड हेयर के ऊपर भी मैं एक वीडियो शूट करने वाली हूँ। सो बहुत ही ज़्यादा ईजी बीजी सा हेयर वाला आपको मैं मास्क बताने वाली हूँ, तो इसके बाद ही आएगा। सो पहले ये वीडियोज़ को स्टार्ट। बाल भी अभी बहुत ज़्यादा बेटी बेटी लग रहा है, तो पहले इसको पीछे करते हैं एंड पहले स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से, बिकॉज नहाने के बाद मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। तो फर्स्ट मैं मॉइस्चराइजर लगाऊंगी एंड बहुत ज़्यादा क्विक में बेसिक सा मेरा वीडियो शूट करते बहुत ज़्यादा क्विकली एंड बेसिक से मेकअप मैं यूज़ करती हूँ। मेकअप नहीं यूज़ करती हूँ बेसिकली, मैं आपको दिखाती हूँ कि एग्जैक्टली मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ वीडियो शूट करने से पहले। सो फर्स्ट तो ये मॉइस्चराइजर है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है एंड इसको मैं इतना ही खोल के रखी हूँ, ज़्यादा नहीं खोलती हूँ। ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया ना, अभी तो मार्च ही है, मई में तो दवाई हो जाना है सबका। तो ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी सनस्क्रीन, बिकॉज मैं धूप में बनाती हूँ, नेचुरल लाइट रहता है तो मेरे को सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं ये यहाँ पे लगा रही हूँ लोटस का सनस्क्रीन और ये चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा गंदा लगता है कि इसको खोलते साथ ये जो गिर जाता है ना, दिमाग ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लगा लेते हैं। ये एकदम फाउंडेशन टाइप है, इसका भी रिव्यू आएगा बहुत मस्त वाला। ये चीज़ मेरे को बहुत ख़राब लगता है, खोलते सब गिर जाता है। सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ना, ये एकदम फाउंडेशन जैसा है। ओके, आई एम डन विद दिस। फेस पाउडर लाया है कि नहीं लाया वो भी नहीं पता, तो देखते हैं। कट नहीं है, ये अनकट वीडियोज होगा, मतलब ये अनकट होने वाला है। सो एज यूजुअल फेस पाउडर तो हम लाए नहीं है। तो ये है मेरा फेवरेट पर्पल का, बट इससे ज़्यादा मेरे को ना और इसका अच्छा लगता है, मेबेलिन का मेरे को बहुत अच्छा लगता है एंड लैकमे का मेरे को हमेशा अच्छा लगता है। लैकमे का सारा प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्या लगाती हूँ यार, मैं तो भूल ही गई हूँ। ओके नेक्स्ट काजल नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग माय फेवरेट वाला काजल, जो कि है ये काजल जो मेरे बहुत पसंद है, बट पता नहीं मिरर कहाँ जाता है। हाँ यार, ऐसे में बहुत दिक्कत होता है, पता है ऐसे लगाने से ना काजल मेरे को समझ में आया, हम काजल लगाए तो लगाए कहाँ, बिकॉज इसको ना पहले तो इसको पकड़ के ऐसे ऐसे करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम ऐसे लगा रहे कि मैं ऐसे लग नहीं रहा अच्छे से, पता नहीं कैसे ब्यूटी ब्लॉगर लगा लेती है, मेरे से तो नहीं लगता भाई। तो रुको, मैं अपना जैसे मैं लगाती हूँ बेसिकली मैं वैसे ही लगाऊंगी, दिख रहा है ना, दिख रहा ही होगा। ठीक है, वैसे ही देखो लगा, बहुत लिटिल लगा ना, गला खराब है। इसके बाद ये वाला जो थोड़ा सा है ये बहुत ज़्यादा ना स्मज करता है, तो वीडियोज बहुत सारा बनाना है तो स्मज तो नहीं करवाना है अपन को। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये ब्लू आई शैडो से उसको स्मज कर लेने से क्या होता है ना कि जो आपका ये होता है काजल होता है वो ना फैलता नहीं है। पता नहीं कहाँ से आँख मारना सीखे हम इतना। इसके बाद आई लाइनर तो मैं तो लाई नहीं हूँ, क्या करूँ आई लाइनर तो मैंने नहीं लिया।
यार मतलब दोनों खाजे मेरा खत्म हो पड़ा है और ऑर्डर भी नहीं कर पा रहे ना, तो क्या करूँ। नो प्रॉब्लम। तो क्या करने वाली हूँ मैं लूँगी ब्लैक कलर का आई शेडो एंड इसको मैं काजल में सबमिट करूँगी। ये होता है देसी जुगाड़ भैया, देसी जुगाड़ क्या किया जाएगा, बस थोड़ा थोड़ा ठीक है। एकदम धीरे धीरे, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज्यादा भी नहीं लगाना है, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है। देखा, एकदम थोड़ा थोड़ा लगाना है, ज्यादा एकदम नहीं लगाना है, मतलब सिर्फ टच आना चाहिए, उतना भी डाल। खूब भालो आइडिया, हो गया ठीक। इसमें ज्यादा लग गया क्या? ना, यहाँ पे ना लाइट नहीं दिखता मेरे को, लगते हैं तो यहीं से लाइट आता है, तो गला खराब हो गया मेरा, पता नहीं क्यों क्यों क्यों। इसके बाद लगाओ या ना लगाओ, लगाओ मैं ठीक है, चलो ऐसे ठीक है। मेरा फेवरेट लिपस्टिक लिपस्टिक न्यूड वाला, आई लव दिस, मेरा बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये, बस यही रहता है मेरा हमेशा का मेकअप। ओके सो और तो कुछ नहीं करती हूँ ना मैं, नहीं और कुछ नहीं करती हूँ। हाँ मस्कारा, ये मेरा फेवरेट मस्कारा खुलता नहीं पर जल्दी टाइम पर। और पता है मस्कारा लगाने के मैंने टिप भी बताया था, यहाँ पे भी बता देती हूँ कि जो ऊपर वाला होता है ना उसको लगाते समय ना आपको नीचे देखना, और जो ये नीचे वाला होता है ना उसको लगाते समय आपको ऊपर देखना, तो इससे क्या होगा ना आपका ना यहाँ लगेगा ना यहाँ लगेगा, आपका एकदम सही जगह लगेगा ठीक है। ऐसे मिरर नहीं है फिर भी ऐसे दिखाना है कि आप मिरर पे देख रहे हो ठीक है। हो गया, मैंने बोला आपको मैं बहुत ज्यादा सिंपल बेसिक सा मेकअप करना पसंद करती हूँ, उसको आप मेकअप बोलोगे मुझे बताओ। ओके सो या दैट्स इट, अब थोड़ा बाल वगैरह ठीक कर लेती हूँ, उसमें भी मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, यू नो हाथ से ही कॉम्ब हो जाता है। लास्ट सेटिंग स्प्रे, क्योंकि बहुत लंबा टाइम तक मेकअप अभी रखना है ना, फॉर दैट मेकअप सेटल रहे थोड़ा सा। हाँ सामने में मिरर है, बस सेट हो जाएगा फिर मेरा मेकअप डन, दैट्स इट। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, आई होप कि आपको थोड़ा सा एंजॉय हुआ होगा, यू नो थोड़ा सा ऐसे इस टाइप का वीडियो से थोड़ा सा आपको मजा आएगा, और थोड़ा गला मेरा भी खराब है तो जाने देना ठीक है। एंड
सो आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. सो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर सब कुछ कर देना. सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल. बाय बाय.